बहुत ज़बरदस्त रिस्पॉन्स है। आप देखेंगे एक दो दिनों में ही हमारी बसेस भर गई हैं। इसी तरह है जैसे टोटल कराची के हमारे 7 रूट हैं, तो एक रूट शुरू हो गया है इंशाल्लाह, बाकी 6 रूट जो है वो आइंदा हर 10 दिन के बाद हमारा एक रूट जो है शुरू होगा। तो आइंदा 2 महीनों में हमें उम्मीद है कि बाय द एंड ऑफ अगस्त आपको 7 रूट ऑपरेशनल मिलेंगे। सारी 240 बसेस जो हैं हमारी पूरी की पूरी आपको ये कराची के रोड्स पर मिलेंगी। इस शहर में बसों की, मिनी बसों, कोचेज की, मेरे हिसाब में अगर अगर पूरी फुल फ्लैज यानी पब्लिक को सहूलत फराहम की जाए तो 40,000 गाड़ियों की ज़रूरत है। अगर 40,000 ना भी हो तो कम से कम 20,000 यही बड़ी बसों की ज़रूरत है। तो ये 40 बसें चलना मेरे लिए ना काफ़ी है, और बसें चलाई जाएँ। देखिए पुरानी बसेस हमने, मेरा अपना पर्सनल व्यू ये है कि उनको हम बाय कंपटीशन जो है उनको रोडों से हटाएं, बाय आर्डर या बाय लॉ उनको हमने बोला कि नहीं अब आप ख़त्म करो, नहीं हम अच्छी सर्विस दें, लोग प्रेफर करें हमें, वो कंपटीशन में ही अपने वो अपना उनकी सर्विस जो है अपना फैज़ा होती जाए। वरना हम अगर ये करें कि उनको हाथ पे बांध के बोलें अभी आप हट जाओ हमारी ये बसेस चलेंगे, तो ये भी इसका सोल्यूशन नहीं है। बाकी बसेस की ज़रूरत तब तक होगी जब तक हमारे लोग अवेयर होंगे, जब थोड़ा सा पैदल चलने की उनको होगी कि भाई चलो थोड़ा सा पैदल चलने में एक अच्छी सर्विस मिल रही है तो वो कर दें। और हमारे लोग क्या करते हैं, वो कहीं भी फटकार देते हैं दरवाज़ा के, रोको में उतरना है या चढ़ना है। हुकूमत की गाड़ियाँ आ गई हैं तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है हुकूमत की तरफ से, और मैं वेलकम करता हूँ। हमारी तरफ से अगर कोई ये प्रोपेगेंडा करे कि हम रुकावट करेंगे, हम रास्ते रोकेंगे, कोई भी नहीं। कराची के बहुत 500-600 रूट्स हैं बसों, मिनी बसों, कोचेस के। अगर एक लांडी से टावर तक कोई ट्रांसपोर्ट चल गई, या न्यू कराची से भी जो ग्रीन बस जो चली है, मैं बड़ा खुश हूँ, लोगों को सहूलत है। बस शौकीन लोग हैं जो अपने लिए रखते हैं कि मतलब हमारी गाड़ी खूबसूरत लगे, और ये मतलब ये मोतियाँ जो बनाई है ये काफ़ी गाड़ियों में है, मतलब ये तो कुछ भी नहीं है, ऐसे ऐसी गाड़ियाँ जो उसमें मतलब 40-50 हज़ार रुपये का सिर्फ डेकोरेशन लगता है या अंदर जो मोतियों से बनाए होते हैं। एक गॉड गिफ्ट है, और जैसे शुरू से ये ट्रक आर्ट का काम चलता हुआ आ रहा है, इसमें जितने भी काम सीखने वाले हैं वो मज़ीद उसको अपने माइंड से जो है मॉडिफाई कर रहे हैं। ट्रक आर्ट की एक सीरीज़ चलती हुई आ रही है, उसी सीरीज़ को मज़ीद बेहतर से बेहतर, बेहतर से बेहतर कर रहे हैं, और उस जो डिज़ाइन हम बनाते हैं वो हमारे अपने क्रिएट किए होते हैं। हमें अल्लाह ताला की तरफ से एक तोहफ़ा है कि वो हम खुद बनाते हैं डिज़ाइन। पहले जो है हम लोग ये मिनी बसों का उरूज था 1995 से 2000 तक, तो उस वक्त जो है ये W11 और ये दूसरी मिनी बसें जो है फुल VIP डेकोरेशन होती थी। हमने काम भी वहीं से सीखा, काम मिनी बसेस पे हमने बहुत काम किया। फिर वक्त के साथ साथ मिनी बसें आना बंद हो गई, ट्रांसपोर्ट का बुरा हाल हो गया, तो गवर्नमेंट ने बसें लाई हैं, इस पर हमारा काम नहीं हो रहा, इस पर ट्रक आर्ट का काम नहीं होता। बाकी तो कोई कराची को मालूम है कि जो मिनी बसें वगैरह चलती हैं कराची में वो बग़ैर डेकोरेशन के नहीं चलती। नहीं, मसला ये है कि कुछ चीज़ें जो हैं टाइम के साथ फिजल आउट हो जाती हैं ना। मीन्स पब्लिक सेक्टर की बसेस में और प्राइवेट सेक्टर की बसेस में फ़र्क होता है, वो डेकोरेटिव भी होता है, उसमें म्यूज़िक भी चलती है, चलिए गवर्नमेंट पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ये नहीं होता है, वहाँ थोड़ी सी सोबर, थोड़ी सी डिग्निफाइड स्टाइल होता है। तो ये अगर चीज़ें प्राइवेट सेक्टर में वही बसेस चलती हैं तो चलें उसी डेकोरेटिव जो भी उनके चीज़ें हैं बिल्कुल चलें, लेकिन ये है कि हम उनको ख़त्म नहीं करेंगे कि भाई आप हट जाओ। तो अब वो जो है वो चमक पट्टी वाले या दूसरे तीसरे जो अच्छी W11 की गाड़ियाँ होती थी या कहीं भी, वो सिलसिला ख़त्म हो गया, लोग बेरोजगार हो गए और कहीं मेहनत मजदूरी कर रहे हैं। W11 जो है वो 1 मिनट में 2-2 गाड़ियाँ आती थी, 1 मिनट 2 मिनट
500 के करीब गाड़ियाँ थी, अब 50 गाड़ियाँ डब्ल्यू ग्यारह की रह गई। तारक अजीज ने नीलामगार में दिखाया कि वहाँ लंदन में हमारी डब्ल्यू ग्यारह खड़ी थी सजी हुई, वहाँ ले गए लोग या क्या हुआ, वो दिखाया था, वो सकाफत थी हमारी। अब हेरिटेज हमारा है नहीं कि W11 जो इज नॉट पार्ट ऑफ आवर हेरिटेज। देखिए सीधी सी बात है, आप इस क्वालिटी, आप इस बस की क्वालिटी आप चढ़ के देखें तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है आम बस और इस बस में। ये एक किस्म की लग्जरी बस है, उस खड़े होने में भी इसमें जो है ये है कि आपका कोई कंजेशन नहीं है, उनकी भी लिमिटेशंस हैं, खड़ा होना है उसको किस तरह वो खड़ा होना है और उसकी जो अपनी जो हैंड होल्डर्स हैं आप उसको, वो भी लिमिटेड हैं। ये नहीं है कि आप 5 की जगह 20 खड़े नहीं हो सकते, तो ये इसलिए जो है लोग खड़े होने वाले भी कंफर्टेबल रहेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह साफ़ सुथरा सफ़र है और यूँ महसूस करा है कि अब ऑफिस से आ रहे हैं थकावट महसूस नहीं होती। उस बसों में सफ़र करने से ये होता है कि आदमी चिड़चिड़ापन का शिकार हो जाता है, खासकर ब्लड प्रेशर के पेशेंट जो है ना और परेशानी का शिकार होते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसमें यह कि सुकून से घर पहुँच रहे हैं। नहीं उससे तो बेहतर यही है, हमें तो साफ़ सुथरी चाहिए। पंप बेहतर चला, सीट पर चढ़ लेते थे, उससे पहले मैं तो बाल उलझ जाते थे उस झाड़ फानूस से। ये होता था वो सजीव इतनी होती थी, अंदर की सजावट तो हम लोग जानते हैं क्या, इतना को भरते थे कि वोमिट भी हो रहा है तो मोशन भी हो रहा है। रेड लाइन में तो कोई मिसिंग नहीं नज़र आई, अल्हम्दुलिल्लाह इंतहाई साफ़ सुथरी बेहतरीन कुशादा बसें हैं। जबकि जिस बस में मैं अभी बैठा हूँ, आप मेरा इंटरव्यू ले रही हैं, इसकी सीटें छोटी हैं और कैपेसिटी कम होने की वजह से लोगों को बहुत परेशानी होती है, ख़ास तौर पर बुज़ुर्गों को उतरने में चढ़ने में। इसके गेट छोटे हैं जबकि उसके गेट बड़े हैं, सीटें कुशादा हैं, एसी है उसके अंदर, और सबसे बड़ी बात अमला जो है इंतहाई बाखलाक है उसका। आपने बचपन में आप सब जो बैठे हुए हैं आप समेत उन बसों में सफ़र किया, स्कूल कॉलेज गई, उस वक़्त किराया भी शुरू में बड़ा कम होता था, बड़ी फैसिलिटीज़ होती थी। ठीक है हमारे स्टाफ से कुछ शिकायत होती थी इलिटरेट हैं या ये कुछ, लेकिन बड़ी हमारी अच्छी स्ट्रगल थी रही है पूरे शहर में। हम झगड़ों में, पड़ों में, हड़तालों में भी, किसी न किसी मुश्किल हालात में भी हम ट्रांसपोर्ट मुहैया करते रहे। इस वजह से कि हमारा वो पर्सनल इंटरेस्ट था, हमने अपने बच्चों के लिए भी कमाना था, ड्राइवरों का बिल्कुल चलाएं। लेकिन यह है कि अब देखें ना, अब दुनिया कहीं से कहीं जा रही है, अगर हम अभी भी टूटी फूटी बस को बोले कि नहीं उसका कारोबार ख़राब हो रहा है, हम अपनी बस नहीं ना चलाएं, तो ये थोड़ा सा खराब सही नहीं है कि हम उनसे बात करेंगे भैया आप आ जाएं, बिल्कुल मोस्ट वेलकम, वो भी चलाएं बसेस, लेकिन थोड़ा सा इम्प्रूव करके अपने उस जो स्ट्रक्चर जिस तरह से चलाते हैं, लोगों को जो तकलीफ़ें होती हैं, जो उसका आउटलुक होता है, वो आप खुद देखें कि बसेस कराची जैसे शहर में ऐसी ऐसी बसेस चल रही हैं कि थोड़ा सा उनको भी खुद करना चाहिए कि भैया कुछ तो इम्प्रूव करें ना उसको। 2009 और 2010 तक हमारे पास 25,000 बड़ी गाड़ियां थी, इसमें यानी तकरीबन हमारे पास 5,000 बड़ी बसें थी, 10,000 मिनी बसेस और 10,000 कोचेस। हम आखिरी सिस्टियाँ ले रहे हैं, अगर गवर्नमेंट ने हमें कोई तवज्जो ना दी, सिंध गवर्नमेंट ने सब्सिडाइज नहीं किया, कोई इंसेंटिव नहीं दिया, तो हमारी ट्रांसपोर्ट आस्ते आस्ते ख़त्म हो जाएगी। देखिए ना जैसे जैसे दुनिया आगे जा रही है तो उसके साथ जो चलेगा वो चलेगा, नहीं चलेगा नहीं चलेगा।